उड़ीसा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। इसके बाद बोगियों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भी राहत एवं बचाव दल की खासी मशक्कत करनी पड़ी। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो किसी को सिर। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की। रात भर तक की जान से जुटे रहे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग आ गए। इसी ट्रेन से बंगाल के लोग दक्षिण भारत में इलाज कराने भी जाते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस 40 साल के सफर में पहले भी कई बार हादसे का शिकार हो चुकी है। शुक्रवार को हुआ हादसा इस ट्रेन के इतिहास में सबसे खतरनाक भयानक था। ये ट्रेन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल के लोग दक्षिण भारत में इलाज कराने के लिए सबसे ज़्यादा इसी ट्रेन से जाते हैं। बांग्लादेश से आने वाले मरीज भी वेल्लोर समेत दूसरे दक्षिण भारतीय अस्पतालों में इलाज के लिए यही ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये ट्रेन पहली बार हादसे का शिकार 15 मार्च 2002 को हुई थी। तब दोपहर में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसके 7 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 100 यात्री घायल हुए थे। फिर 3 फरवरी 2009 को उड़ीसा के ताजपुर के झोर रोड के पास इस ट्रेन के बेपटरी होने से 16 लोगों की मौत हुई थी। 14 जनवरी 2012 को उड़ीसा के लिंगराज स्टेशन के पास इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में आग लग गई थी। 9 साल में 8 बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें 400 से ज़्यादा की लोगों की मौत हुई है। 14 मई 2014 को गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन पर हुई जिसमें 25 की मौत हुई। 4 अगस्त 2015 को कामयानी पुरावन भिरंगी में हुई हादसा हुआ जिसमें 31 लोगों की मौत हुई। 20 मार्च 2015 को जनता एक्सप्रेस रायबरेली में इसका हादसा हुआ, 58 लोगों की मौत हुई। 20 नवंबर 2016 को इंदौर राजेंद्र नगर वाली पुरखिया में हुआ, 152 लोग मारे गए। 21 जनवरी 2017 को हीराखंड एक्सप्रेस का हादसा हुआ विजयनगर के पास, जहां पर 41 लोगों की मौत हुई। 19 अगस्त 2017 को कलिंग एक्सप्रेस का हादसा हुआ मुजफ्फरनगर के पास, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई। 19 अक्टूबर 2018 को पैसेंजर ट्रेन का हादसा अमृतसर के पास हुआ, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई। तो हम दुआ करते हैं कि जो लोग बच गए हैं वो जल्द ठीक हो जाएं, और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार वालों को भगवान सब्र दे।